हेलो, नमस्कार जी। आज मैं आपको एक छोटे से बच्चे के जुराब के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत अच्छी होती है। आजकल बच्चों को इसको बनाना चाहिए। तो देखिए, मैंने सबसे पहले 42 फंदे लगाए और वो भी बड़े अच्छे ढंग से 4 इंच तक मैंने बना दिया, 4-5 इंच तक, यानी कि 4 उंगल तक मैंने इनको बुन दिया है। एक फंदा मैंने उल्टा लिया है, एक फंदा सीधा लिया है और ऐसे ही मैंने इसको 4 इंच तक, लगभग 4 उंगल तक बना दिया है। अब मैं यहाँ से देखिए क्या करूँगी। 14 घर मैं ऐसे ले लूँगी, 14 घर उठाऊँगी, तो 14 14 करके मैं 3 हिस्सों में बांट लूँगी। जो 14 घर हैं, ये देखिए, अब मैं इन जो मैंने 42 कुंडे लिए हैं, अब मैं इनको 3 हिस्सों में बांट दूँगी। 14, ये 14 रख लूँगी और इधर भी 14 रख लूँगी। जो 14 मैंने ये रखे, 14 14 ये रखे और 14 ये, तो इनको मैं एक सिलाई पे, सिलाई से धागे में पैक कर लूँगी ऐसे ऐसे। 14 फंदे में धागे में सुई के द्वारा ऐसे निकाल लूँगी, धागे में पैक कर लूँगी। इनको मैं बाद में उठाऊँगी। अब ये देखिए, ये मैंने 14 फंदे एक सुई में धागा लगा के फिर इसको पैक करके 14 कुंडे मैंने इधर ले लिए, 14 कुंडे, और अब मैं 14 कुंडों को बुनूंगी। तो ये बीच में रखूंगी, ये देखिए, ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये 14 कुंडे मैंने बनाने हैं। और ये जो 14 बाकी के रह गए, जिस प्रकार ये मैंने पैक कर दिए धागे में, उसी प्रकार इनको भी मैं सुई से धागे में पैक कर दूंगी। ये देखिए, जो 14 कुंडे मैंने बीच में ले लिए, उनको बनाऊंगी पहले। और ये जो 14 है, इनको मैंने ऐसे ले रही हूँ और ये सुई में ऐसे धागे में पिरो दूंगी मैं इनको ऐसे। और ये देखिए, और इनको बाद में उठाऊंगी फिर। अब इनको भी मैं पैक कर दूंगी और ऐसे बड़ा अच्छा, छोटे से बच्चे का 1 साल से 3-4 साल तक इसको बना सकते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो 42 के बजाय 50 भी लगा सकते हैं, पर मैंने 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे के लिए तैयार की है ये। तो अब देखिए, जो मैंने बीच में रखे हुए हैं 14 कुंदे, उनको बनाऊंगी मैं। एक, दो, ये तीन, और ये चार, और ये पाँच, ये छः, सात, आठ, और ये 9, 10, 11, 12, 13, और ये 14। अब ये जो बीच वाले 14 है, इनको मैंने कम से कम
चार उंगल तक बनाना है। तो अब मैं बना लेती हूँ थोड़ा, फिर इनको जब मैं आगे बनाऊंगी तो आगे दिखाऊंगी। ये देखिए ऐसे कम से कम चार पाँच, 5-6 इंच तक बना लेना चाहिए, जैसे कि थोड़े बच्चे के लिए ढीली ढीली भी रहे, ज़्यादा टाइट भी ना हो। बस इसी प्रकार कम से कम 4-5 इंच तक बनाना है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये, तो ऐसे बनाऊंगी मैं अब इसको। तो ये देखिए अब मैंने ये 14 घर ले लिए हैं और ये इतना मैंने बना के तैयार कर दिया है। देखिए ये भी मैंने 4 उंगल तक ही बुना हुआ है, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ था। तो अब मैंने फिर इधर से 14 घर उठाने हैं। ये देखिए अब देखिए मैंने ये 14 घर यहाँ थे, 14 यहाँ थे और 14 बीच में थे, उनको बुन लिया था। अब इन 14 को भी ले लिया, साथ में बुन लिया और यहाँ से एक तरफ से मैंने 14 घर उठा लिए। अब मैं इस तरफ से भी 14 घर उठाऊँगी और इनको भी मिला लूँगी साथ में, फिर मैं बुन के बताऊँगी। देखिए ऐसे उठाना है इसको भी, थोड़ा यहाँ मुश्किल लगती है इसको करना, तो चलो मैं दिखाती हूँ करके। ये देखिए ऐसे उठाने हैं घर, ये यहाँ से भी 14 घर उठाने, सारे 70 घर हो जाएंगे फिर। तो ये देखिए ऐसे एक, और यहाँ पर ऐसे ये दो, यहाँ से मुश्किल लग रहा है कुछ। तो अब देखिए मैं इधर से भी 14 घर उठाऊंगी। एक, दो, दो, तीन, तीन, ये देखिए चार, ये चार, ये पांच और ये, अरे ये छः, देखिए अब ये सारे, ये 14 घर भी मैंने साथ में उठा लिए। ये देखिए ये देखिए अब मैंने ये सारे घर उठा लिए। तो पहले मैंने 42 घर लगाए हुए थे, तो उनको बुना, फिर मैंने 14-14 इधर को लगा दिए, छोड़ दिए थे, फिर बीच में जो घर थे 14 उनको बुना था, और उनको 4 उंगल तक बुनने के बाद उसको छोड़ दिया था इधर। फिर यहाँ से ये 14 घर भी उठा लिए मैंने ये, और फिर उसके बाद जो मैंने ये बीच में से बुना था, इसके इस तरफ से भी मैंने 14 घर उठा लिए, फिर वो जो बीच में थे वो भी 14 ले लिए, और इस साइड से भी 14 ले लिए, निकाले घर और 14 पहले के, यानी कि सारे घर 70 घर हो गए। तो अब मैं इसको बुन के बताती हूँ। तो ये मैंने जो जितने 70 घर उठाए थे उनको मैं बुन के बता रही हूँ, सारे बुन दिए मैंने, यानी कि 2 सिलाई मैंने सीधी बुनी और 1 मैंने उल्टी सिलाई बुनी। तो ये ऐसा डिजाइन बन गया, नीचे की तरफ से भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए
ये तो मैं इसको सिल के दिखाऊंगी। अभी ये जुराब मेरी तैयार होगी। दोनों जुराबें इसी टाइप की बनानी है, एक जैसी होती हैं, चाहे किसी भी पाँव में पहना दी जाए। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये जुराब, देखिए। तो अब मैं इसको सिल दूंगी। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है।